नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। निकाय चुनाव के नतीजे हरियाणा में आ गए हैं। कहीं खुशी है, कहीं गम है, कहीं पे सांत्वना है, कहीं पर परफॉर्मेंस बेहतर करने की बात हो रही है, और उसी हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी खुशियां या अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं जाहिर की हैं। सवाल कांग्रेस को लेकर है। स्थानीय निकाय चुनाव में क्या कांग्रेस को हार का डर भारी पड़ा है? हरियाणा में निकाय चुनाव सिंबल पर ना लड़ना कांग्रेस के लिए भारी भूल साबित हुई। कांग्रेस को सिंबल पर चुनाव न लड़ने का सियासी तौर पर काफी नुकसान हुआ, ऐसा दिखाई देता है। कांग्रेस के 13 विधायकों के इलाके में दूसरे प्रत्याशियों की जीत हुई है। चुनाव सीधे ना लड़कर पार्टी बड़े अवसर से चूक गई। राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद स्थानीय चुनाव के परिणाम कांग्रेस के लिए जले पर नमक छिड़कने जैसे रहे। इन परिणामों ने हरियाणा कांग्रेस को आईना दिखाते हुए हुड्डा के नेतृत्व और रणनीति पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि कांग्रेस के अपने ही अपनों की इस रणनीति पर कटाक्ष कर रहे हैं, उस पर चर्चा। इंसान के मन का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जाता है, और कई बार ये डर उसे ना तो सही फैसला लेने देता है और ना ही दूसरों के सुझाव पर ध्यान। वहीं अगर मन में डर के साथ साथ बात वर्चस्व और दबदबे की भी हो तो फैसला लेना और भी मुश्किल हो जाता है, जिसके अक्सर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। और ऐसा ही हुआ है हरियाणा कांग्रेस के साथ, जिसकी कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ है। और निकाय चुनाव सिंबल पर ना लड़ने का फैसला भूपेंद्र हुड्डा के साथ साथ पार्टी पर भी भारी पड़ गया। हरियाणा निकाय चुनाव में यूं तो कई दिग्गजों के गढ़ टूटे, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा। कांग्रेस के 15 विधायकों के क्षेत्र में नगर निकाय चुनाव थे। सिर्फ दो ही विधायक अपना गढ़ बचाने में कामयाब रहे। कांग्रेस के 13 विधायकों के गढ़ में दूसरे प्रत्याशी जीते। निकाय चुनाव के परिणामों ने हरियाणा कांग्रेस को आईना दिखाते हुए हुड्डा के नेतृत्व और रणनीति पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यहां तक कि कांग्रेस के अपने ही अपनों की रणनीति पर कटाक्ष कर रहे हैं। जनता टीवी से खास बातचीत में निकाय चुनाव के नतीजों पर कुमारी शैलजा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें निकाय सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए था। सिंबल पर चुनाव लड़ते तो हमें भविष्य में होने वाले चुनाव के संदर्भ में कमियों का पता चलता। एक दूसरे के जिंदाबाद करने से पार्टी मजबूत नहीं होती। सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि जो पहली मीटिंग हुई, मैं कह सकती हूँ कि जब मैं अध्यक्ष थी तब फैसला था कि चेयरमैनशिप्स हम सिंबल पर लड़ेंगे। हमें पार्टी को मजबूत करने के लिए नीचे तक जाना पड़ेगा, और ये अच्छा मौका था जब हम घर घर में कांग्रेस पार्टी के सिंबल को पहुंचा सकते थे। आगे इन सब चीज़ों से हमें सीख कर पार्टी को मजबूत करना है। हो सकता है आपकी जिंदाबाद करें, मेरी जिंदाबाद करें, जिंदाबाद से तो पार्टी मजबूत नहीं हो सकती। जब हरियाणा कांग्रेस के हालात ऐसे हों तो भला कांग्रेस की इस लचर दशा पर कुलदीप बिश्नोई तंज कसने से कहां चूकने वाले थे। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर कहा कि सिर्फ खंजर ही नहीं, मुझे आंखों में पानी चाहिए। हे प्रभु, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। फ्री हैंड के रुझान आने शुरू हुए, ना राज्यसभा जीत पाए, और अब ये मैं तो पहले ही कहता था कि दुकान में माल कोनी। दो महीने पहले ही कांग्रेस की कमान हुड्डा के हाथ में आने के बावजूद भी कांग्रेस ने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ा। नतीजा ये रहा कि कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार अपेक्षाकृत परिणाम नहीं दे सके। कांग्रेस को हार का डर था, इसलिए सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ा। भले ही पार्टी के हर बड़े नेता ने अपने गृह क्षेत्र में अपनी पसंद के मजबूत उम्मीदवार को खुला समर्थन दिया था, जमकर प्रचार भी किया गया, बावजूद इसके कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के समर्थक चुनाव हार गए और पार्टी की कमान संभाल रहे हुड्डा को राज्यसभा के बाद निकाय चुनाव परिणामों में निराशा का कड़वा घूंट पीना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं काश सिंबल पर लड़ते चुनाव। चर्चा करेंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश गर्ग कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्ण कुटैल हमारे साथ जुड़ गए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। हुकुम सिंह भाटी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, और विवेक चौधरी हैं जननायक जनता पार्टी से,
आप सभी का स्वागत है। राकेश गर्ग साहब, अभी अगर आपने सुना होगा, कुमारी शैलजा जनता टीवी पर कह रही थी कि चुनाव सिंबल पर लड़ना चाहिए था और अपनी अपनी जय जयकार कराने की परंपरा से बाहर आना चाहिए था। परिणाम बेहतर हो सकते थे, लगता है आपको? वरुण जी, मैं बड़ा स्पष्ट आपको जवाब दे देता हूं। देखिए, अब चुनाव परिणाम आ चुके हैं, प्रदेश की जनता ने अपनी छोटी सरकार चुन ली है और जो पार्टी का निर्णय था कि भाई हम अपने सिंबल पर इन छोटे चुनाव में, जिनको हम पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि भाई का चुनाव है और ये व्यक्तिगत चेहरे का चुनाव है, पार्टी की धारा का चुनाव नहीं है, तो वो हमने लड़ा। अब ये बातें पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी हैं कि आपके लिए, गर्ग साहब, आपके लिए अप्रासंगिक हैं वो। हमारा काम तो एनालिसिस करना है ना सर, चुनाव से पहले, चुनाव के बाद। मैं बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूं वरुण भाई। अब ये जो पार्टी का फैसला था, ये एक सामूहिक फैसला था। अब निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आए हैं, उन परिणामों का भी विश्लेषण करना चाहिए। बल्कि मैं इस बात के अंदर वरुण जी आपको एक बात और ऐड कर देता हूं। ये तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, पार्टी ने चुनाव नहीं लड़ा, भाजपा और जनता के सामने मैदान क्लियर था, उसके बावजूद ये रेस में पिछड़ गए हर मामले में, चाहे वो वोट परसेंटेज। तो बड़ी गलती की आपने गर्ग साहब, उस लिहाज से तो आपने बहुत बड़ी गलती की। फिर तो इंडियन नेशनल लोकदल या आम आदमी पार्टी जो बात कहते हैं कि आप लोगों ने वॉक ओवर दिया, आप लोगों ने मौका दिया, ये नतीजे आपकी वजह से आए, आपने मुख्य विपक्षी दल होने का फर्ज अदा नहीं किया, यानी उनकी सारी बातें ठीक है। फिर गोयल साहब, मैं फिर उसी बात पे मुझे बोलना पड़ेगा, हमने अपने परंपरागत स्टैंड को रखा, क्यों रखा, वो वजह सबके सपोर्ट। फिर ये सब मत कहिए ना, इनके लिए मैदान खाली था। मैं आपको इस बात पे लेकर आ रहा हूँ। आप ये देखिए ना कि प्रदेश के अंदर ये इतने अलोकप्रिय हो चुके हैं कि हमारे सिंबल पे ना लड़ने हिम्मत आप नहीं दिखा पाए। ये अलोकप्रिय है, हिम्मत आप नहीं दिखा पाए। वरुण जी, ये हिम्मत का नहीं है, नीतिगत फैसला था, ये पार्टी का एक नीतिगत फैसला था। तो अब ये मत कहिए मैदान खाली था। देना नहीं है। अगर आप ये बात कहेंगे मैदान खाली था, इसका मतलब आपने मैदान छोड़ा, आपने मुख्य विपक्षी दल की भूमिका नहीं निभाई। जो वरुण जी, जो सामने है, विश्लेषण और बातचीत उसी पर होगी, और सामने ये है कि कांग्रेस ने सिंबल पर नहीं लड़ा, ठीक है, पार्टी ने सिंबल पर लड़ा, और सिंबल पर लड़ने के पश्चात जो परिणाम आए हैं वो इनके लिए बहुत चिंताजनक है। ठीक है, उन परिणामों का आकलन कीजिए, चाहे वोट की परसेंटेज। कल से लगातार आकलन नहीं कर रहे हैं हम, तो आकलन नहीं कर रहे हैं। हुकुम सिंह भाटी जी, आपके सामने मैदान खाली था। वरुण जी, मैदान खाली था, बड़े हैरानी की बात है कि वो लोग जो चुनाव को फेस नहीं कर पाए, कई महीनों पहले जब ये चर्चाएं चुनाव की चलती थी नगर निकाय की, तो बड़े लंबी लंबी बातें कर रहे थे, सिंबल पर लड़ेगी कांग्रेस बड़े जोर से लड़ेगी, और बड़े जोश में कहते थे भाजपा जेजेपी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को धसने नहीं देंगे। पता नहीं क्या क्या प्रचार इन लोगों ने किया। अब कह रहे हैं कि मैदान खाली था। अरे भाई, आपने मैदान खाली क्यों छोड़ा? आपको लड़ना चाहिए था। कितनी, अगर मैं आप क्या शब्द इस्तेमाल करूं कि ये एक इंतिया है, किसी भी पार्टी की धोखा देने की एक इंतिया है, ये एक धोखा है जनता के साथ। अगर आप में इतना दम था तो सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए। उसके बावजूद 25 सीटें टोटल 46 में नगर निकाय की, 25 सीटें भाजपा जेजेपी गठबंधन जीतता है। जो मैं परसेंटेज निकालता हूं वो 60-65% के करीब आता है, यानी कि लोकतंत्र में 50 का जो आंकड़ा है 50% प्लस, यानी कि भाजपा मेजोरिटी में, बीजेपी जेजेपी मेजोरिटी में आती है, और कांग्रेस की जो हमारे ये प्रवक्ता बोल रहे थे राकेश जी, कितनी चालाकी से, कितनी निर्दयता से, मैं सब तो मेरे पास और है लेकिन मैं थोड़ा सा सॉफ्ट का यूज कर रहा हूँ, कि संयमित रहिएगा सर, वे इस तरह से बातें कर रहे हैं जो शोभा नहीं देती। ठीक है, ये जनता देख रही है और उसके बावजूद आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप चुनाव को फेस नहीं कर पाए, एक भी कांग्रेस का नेता ये बता दे कि मैं उसके साथ था और वो चुनाव जीत गया, ये
ये जो है लोकतंत्र की एक अच्छी परिपाटी नहीं है, इसीलिए जनता ने चाहे कांग्रेस हो विपक्षी जो भी पार्टियां हैं इनको इसीलिए हाशिए पर किया है कि ये जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहे। ठीक है, भाजपा जेजेपी ने बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव लड़ा, कामों के ऊपर चुनाव लड़ा, जो पिछले 3.5 साल में जो काम हुए, पहले टेन्योर में 5 साल में काम हुए, उनको लेकर के हम जनता के बीच गए और निश्चित तौर पर कामयाबी मिली है। इसके लिए मैं जनता जनार्दन की आपके टीवी चैनल के माध्यम से ठीक है भाटी साहब आता हूँ आपके पास लौटता हूँ एक बार मैं। कृष्ण कुटैल और विवेक चौधरी हमारे साथ हैं। कृष्ण कुटैल आप सुन रहे थे राकेश जी क्या कह रहे हैं। राकेश जी कह रहे हैं मैदान खाली था तब भी बीजेपी ऐसा परफॉर्म कर पाई, तो ये मैदान में रहते तो शायद मुकाबला और कड़ा हो जाता। मैदान छोड़कर भागना तो खैर बीजेपी कह रही है, वो कह रहे हैं हमारा तो नीतिगत फैसला था, ये भाईचारे का चुनाव है, तो नतीजे तो कुछ और ही बता रहे हैं। देखिए ऐसा है कि प्रमुख विपक्षी पार्टी जो की हरियाणा में कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ने जो है की विपक्ष की भूमिका जो है की वो सही तरीके से नहीं निभाई है। पहले भी जो है की चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो है की ये कटाक्ष करते रहे कि कोई भी मामला आया, कोई भी बिल लेकर के आए हैं तो प्रमुख रूप से जो है की उस पर बहस जो है विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने नहीं की है और ये आदमी टोली का खेल करके जो है की जनता को गुमराह करने का काम इन लोगों ने किया है। अभी चुनाव के अंदर जो है चुनाव एक पार्टी का एक पैमाना होता है और चुनाव जब होता है तो वो एक आंकलन का चुनाव होता है कि हम कहां पर क्या है क्या नहीं है, किस स्थिति में है, हम कितनी बढ़ोतरी में और कितनी कमजोरी के अंदर है। लेकिन यहां पर जो कांग्रेस का जो रवैया रहा है वो ठीक रवैया जो है कि वो नहीं रहा है, क्योंकि तो इन्होंने पहले कहा हम सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ेंगे और बाद में कहा कि हम सिंबल के ऊपर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और जहां तक सवाल है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जो कि अपने आप में जो है कि इजाफा किया है, इम्प्रूव किया है उसके अंदर, और जो है कि संगठन को लेकर के संगठन जो कि मजबूती को लेकर के जो कि चुनाव को लड़ा है और जो कि इंडियन नेशनल लोकदल का जो प्रदर्शन इस चुनाव के दौरान रहा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। ठीक है विवेक चौधरी आप सुन रहे थे राकेश गर्ग कह रहे हैं कि भाई ये जो भी आपके नंबर आए हैं ये भी इसलिए आ गए उनकी बदौलत कि उन्होंने मैदान खाली छोड़ के रखा था। वरुण जी देखने की बात ये है, राकेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, मैं ये कहूँ कि अपनी हार को ना मानते हुए भी हार मानने की इन्होंने कोशिश की कि किस तरह से इन्होंने चुनाव से भागने का काम किया, चुनाव से भागे और अब ये मानने को भी तैयार नहीं है कि हम चुनाव से भागे। मैं जब राकेश जी की बात सुन रहा था तो मुझे थोड़ी हंसी आ रही थी, मेरे दिमाग में ख्याल आया कि मैं वैसे तो कबड्डी और कुश्ती ज्यादा देखना पसंद करता हूँ क्योंकि हरियाणा से जुड़े हैं तो हरियाणा का खेल, पर कभी कभार मैं आईपीएल भी देख लेता हूँ। आईपीएल के अंदर चीयर लीडर्स होते हैं, कांग्रेस को अगर चीयर लीडर कहा जाए तो कोई बुरी बात नहीं। आज के दिन कांग्रेस का जो सफाया हो चुका है इन्हीं के विधायकों के घर से ये हार के आए हैं, इनके प्रदेश अध्यक्ष के घर से ये हार के आए हैं, टीवी तो बैठ के कुछ तो कहना पड़ेगा मजबूरी। पर आज जिस तरह से हरियाणा प्रदेश की जनता ने गठबंधन को प्यार दिया वो सबके सामने, बारी बारी ये बातें करते हैं कि सिंबल पे नहीं लड़ा, सिंबल पे नहीं लड़ना था। इन्हीं के नेता विपक्ष कि अगर मैं बात करूं तो मार्च में एक हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है उसके अंदर इन्होंने साफ कहा कि हम सिंबल पे लड़े। आज कुमारी सैलजा जी ने जो कहा उसके ऊपर भी थोड़ा विचार करना चाहिए। पूर्व कांग्रेसी नेता कुलदीप बिश्नोई जी ने जो कहा उसके ऊपर भी विचार करना चाहिए। पूर्व तो नहीं है, अभी तो कांग्रेस में है, कांग्रेस में है, पर किस तरह से कांग्रेस के नेता कांग्रेस को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तमाम डिबेट्स में एक बात कहता हूं, अगर कांग्रेस को कोई खत्म करेगा तो वो खुद कांग्रेस ही करेगी। ठीक है, नेता सलाह दे रहे हैं पर इनके आला कमान सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, नहीं, इस बार तो आला कमान ने कहा था, इस बार तो आला कमान ने कहा था सिंबल पर लड़ो, वो तो हरियाणा कांग्रेस से कहीं राजी नहीं हुई। मैं आता हूँ एक मिनट आता हूँ
राकेश गर्ग जी देखिए बड़ी आज मैं आता हूँ एक बार विवेक जी आ रहा हूँ आपके पास आता हूँ। राकेश जी एक बात बताएं, कुमारी शैलजा कहती हैं कि अपने अपने आदमियों की जिंदाबाद कराने से काम नहीं चलेगा, ये मौका था कि सिंबल घर घर पहुंच जाता, ये मौका था कि जब सारी पार्टियां सिंबल पर लड़ रही हैं तो आप भी सिंबल पर नजर आ जाते, ये फैसले में कमी रह गई और ये नतीजा जो है इस बात को दिखाता है कि आप लोग कहीं दिखते तो ज्यादा बेहतर रहता। वरुण जी, जब ये पार्टी ने सिंबल पे ना लड़ने का निर्णय लिया था तो साथ साथ पार्टी के जो हमारे शीर्ष नेता है उन्होंने एक बयान भी दिया था, मुझे लगता है उसकी भी चर्चा हो जानी चाहिए। कर लीजिए। उन्होंने ये कहा था कि जो साफ छवि के भाजपा और जजपा को हराने में सक्षम जो उम्मीदवार होंगे निश्चित रूप से हमारी पार्टी का हमारे नेताओं को उनका समर्थन रहेगा। आज मैं सिर्फ 30 सेकंड के अंदर कुछ आंकड़े आपके सामने रख देता हूं, उसके पश्चात मैं पार्टी की बात कर देता हूं। टोटल 888 वार्ड थे जिनके अंदर 815 निर्दलीय जीत कर आए हैं और जजपा के हमारे साथी को बताऊं उनका तो किसी वार्ड में खाता नहीं खुला। 26% वोट मिले हैं महज बीजेपी को, निर्दलीय को 52% वोट मिले हैं, निर्दलीय को उनसे डबल वोट मिली है। एक दो रोचक पहलू मैं आपको और बता देता हूं, जो वोट प्रतिशत है वो भाजपा का महज 26.3% निकला, कुल वोट जो पड़े 1,12,71,782 पड़े जिसके अंदर भाजपा को महज 3,33,873 मिले और जो निर्दलीयों को मिले वे 6,64,000 के करीब। निर्दलीय आपका आंकड़ा है क्या राकेश जी? में वो 52% आपका आंकड़ा है क्या? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, मैं उसी बात भाई। जैसे सुने ना, जैसे नारायणगढ़ आपकी समर्थित सीट है आप जीते क्लियर है, बावल आपकी समर्थित सीट है आप जीते क्लियर है, अब आप सारी पर तो दावा नहीं ठोक पाएंगे ना सर निर्दलियों की? मैं वरुण जी उसी बात पर आ रहा हूँ, हमारा जो स्टैंड था दूसरा स्टैंड ये था कि जो भाजपा और जजपा को हराने में जो सक्षम उम्मीदवार होंगे हमारा उनको समर्थन रहेगा। अभी हमारे जेजेपी के भाई प्रवक्ता जो बोल रहे थे मुझे इनकी बात पर हसीनी ठाका लगाने का मन कर रहा था, उचाना के अंदर, नरवाना के अंदर, बलवारा के अंदर गृह क्षेत्र था, सरकार भी आपकी थी, आप तो स्वयं सरकार के अंदर उप मुख्यमंत्री के पद पर थे, उचाना के अंदर तीसरे नंबर पर हो, नरवाना के अंदर जमानत जब्त हो गई, स्वयं गृह स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री, सारा शासन प्रशासन तंत्र सब जीतवा पाते आप। ये अच्छा, राकेश जी सवाल का जवाब तो दे दें, जिन सीटों पर बीजेपी जेजेपी इंडियन नेशनल लोकदल हारी है वो कांग्रेस ने हराया है क्या उन्हें? जिन निर्दलियों ने हराया है इसका मतलब उसको उन निर्दलियों के पीछे हमारे जो वहां के पार्टी के सिपाही रहे होंगे, नेता रहे होंगे, ये आधिकारिक है, निश्चित रूप से हमने सहयोग किया। हम जो देंगे वरुण भाई, मैं फिर उसी बात को एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि भाई बड़ी स्पष्ट हो जाए। आपका दावा फिर बहुत बड़ा है, फिर आपका दावा बहुत बड़ा है। 52% वोट में कितना नहीं, ठीक है ना सर, आप सीधी सीधी बात करिए ना, 52% वोट में कितना फीसदी वोट आपका मानते हैं आप? निश्चित रूप से वो कांग्रेस के साथ का वोट है। अच्छा ठीक है, भाटी साहब जितने निर्दलीय जीते हैं उनके पीछे कांग्रेस की कहीं ना कहीं भूमिका है, बड़ा वोट उनकी तरफ गया है। वरुण जी मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ, ये अपनी जो है कमर खुद ही सहला लेना, अपने लिए खुद ही वाई वाई लूट लेना, ये लग रहा है कांग्रेस 70 साल में भूली नहीं है और अभी उसी परंपरा पर चल रही है। मैं एक बहुत छोटी सी, राकेश जी अभी कह रहे थे कि जो भाजपा जेजेपी की उम्मीदवार को हराने में सक्षम होगा वो हमारा होगा, भाई मान ली आपकी बात वो आपका होगा, तो हुड्डा साहब किसकी मदद कर रहे थे, वो कहाँ पहुंचे आप बताना जरा? हुड्डा साहब तो बड़े सक्षम नेता बताते हैं आप हरियाणा प्रदेश के, आप लोग ही गुणगान करते हैं। दूसरी बात, आपके प्रदेश अध्यक्ष उदय महान जी ने जिनका समर्थन किया उनकी क्या स्थिति है? चौथे पांचवें नंबर पर वो जो होडल सीट पर आए हैं, आप बताइए ना आप कहां स्टैंड करते हैं आप? इसलिए ये झूठी वाई वाई से काम नहीं चलने वाला। जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, मैं उसका भी एक आंकड़ा आपको बताता हूं, उसमें बहुत सारे मतलब कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जो बीजेपी में टिकट नहीं मिला और वो इंडिपेंडेंट लड़ लिए जाके वो जीत गए, जैसे भिवानी है हमारा, ऐसे कुछ वो वोट बैंक भी हमारा ही था, ये भी आपको बता दें, आप उसे अपना ना काउंट करो, वो भी भाजपा जेजेपी का ही वोट बैंक था। इसलिए कांग्रेस के पास ना हरियाणा प्रदेश में आज इस चुनाव में है, ना आगे वाले चुनाव में है, ना पीछे कभी था,
इसलिए आप जो ये झूठे आंकड़े झूठी बातें करते हैं वो सब जनता जान रही है, उसका कोई औचित्य नहीं है। दूसरी बात वरुण जी, देखिए हरियाणा प्रदेश में भाजपा जेजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला है, पूर्ण बहुमत से नगर निकाय चुनावों में आए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भाजपा जेजेपी सरकार जो काम कर रही है उसको लोगों का समर्थन मिला है, ये चुनाव से बिल्कुल साफ हो गया है। क्योंकि 52% पर अधिकार बता रहे हैं वो तो अपना, कैसे कहीं आंकड़े बताइए, मैं तो खुद आंकड़े मांग रहा हूँ। कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार कहाँ भाई, पांच हमारी जानकारी में पांच है कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार, तो बाकी बता दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, देखिए अपना आप उसको कहो जिसको जिसका आपने चलिए सिंबल नहीं दिया, कोई बात नहीं है, आपके नेता उनके साथ खड़े हों और वो जीत के आगे हों, आप बता दीजिए। आपने पांच का आंकड़ा दिया है, सारे उसमें पांच का आंकड़ा कहाँ टिकता है। दूसरी बात, ये सब दिखावा है इनका, कांग्रेस ने केवल और केवल गुमराह करने का काम किया और जनता ने उसका इनको जवाब दिया है। ठीक है, कृष्ण पटेल साहब आपने सुना वो कह रहे हैं जितने निर्दलीय जीते हैं हमने मदद की इसलिए जीते हैं, ये फिगर जस्टिफाई होता है क्या? देखिए ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, सही पर निर्दलियों का समर्थन जो है वो INLT का भी रहा है और वो जीते भी हैं। और जो राकेश गर्ग जी जो कह रहे थे वो बात ठीक है, भी निर्दलियों का जो परसेंटेज जो है कि वो 52.2% है और बीजेपी का जो है वो 26.3% है, इसमें कोई दोराय नहीं है। और इस प्रकार से जो है कि जो इसने वोटों का जो आंकड़ा दिया है कि 6,63,669 वोट जो है कि वो निर्दलियों का रहा है, लेकिन मैं एक बात राकेश गर्ग जी से पूछना चाहूंगा कि जो फ्री हैंड जो हुड्डा जी को जो है जो प्रतिपक्ष के जो नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उसके एरिया के अंदर एक भी सीट जो है कि वो जीत नहीं पाए हैं, तो उसका क्या कारण रहा है? तो एक सवालिया निशान है, क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि जो प्रतिपक्ष की जो भूमिका है तो वो कांग्रेस ने जो है कि वो निभाने का काम नहीं किया है, तो इसलिए जो है कि इनको अपना आकलन करना चाहिए, सभी पार्टियों को आकलन करना चाहिए कहाँ पर कमजोरी है, क्या है क्या नहीं है। और दूसरा जो है कि बीजेपी के भी अंदर जो है कि जहां से जो प्रमुख जो लोग हैं खास करके करनाल के अंदर जो है कि CMCT है और CMCT के अंदर भी जो है कि वहां पर बीजेपी जो है कि वो औंधे मुंह गिरी है, वहां पर इंडिपेंडेंट जो है कि लोग जीत करके आए हैं, मात्र एक सीट गोंडा की। नहीं, वो इंडिपेंडेंट है किसके, मेरा सवाल तो ये है कुटेल साहब, क्योंकि अब तो इंटरेस्टिंग हो गया, वो इंडिपेंडेंट किसके है? इंडिपेंडेंट के अंदर जो है भाई कहीं पर जो है कि जनता का समर्थन है, कहीं पर जो है कि INLD का समर्थन है, कहीं पर जो है कि बीजेपी का समर्थन है, कहीं पर जो है कि वो कांग्रेस का समर्थन है, तो इस प्रकार से जो है कि इंडिपेंडेंट जो है कि वो अपने बलबूते के ऊपर जो है कि वो जीत कर के आए, उसके अंदर पार्टी का कोई भी। विवेक चौधरी इंडिपेंडेंट किसके 52% पर क्लेम कर रहे हैं राकेश गर्ग? राकेश जी ने कहा कि मेरा ठटाके लेके हंसने को दिल करता है, आप हंस लीजिए, हंसना अच्छा है सेहत के लिए, डिप्रेशन दूर होता है, वैसे आजकल आपकी पार्टी डिप्रेशन में चल रही है। जिस तरह ये कह रहे हैं कि 52% हमारा है तो आप बताने का भी काम कीजिए ना कि हुआ क्या, चढ़ौरा के अंदर कौन हारा सबसे पहले, अगर वहां विधायक किसका है, झज्जर के अंदर कौन हारा विधायक किसका है, और जीता कौन गठबंधन ने? मैं जिन जिन जगह का नाम दे रहा हूँ सभी जगह गठबंधन ने जीतने का काम किया। अगर लाडवा की बात करें इनका विधायक है, महेंद्रगढ़ की बात करें इनका विधायक, फिरोजपुर जिरका के अंदर जीत रहा है सभी जगह गठबंधन। अगर पुनाना की बात करें, नूह की बात करें, कालका की बात करें, गोहाना की बात करें, सभी जगह गठबंधन ने जीत हासिल करने की काम किया। और रही बात आजादों की, आजाद में अगर आपका कोई है, हम खुले तौर पे कहते हैं कि हाँ नारनौल से हमारे आजाद जीते हैं, हमारे पूर्व में प्रत्याशी थे मैडम कमलेश सैनी जी, वो जीत के आए हैं, आंची से हमारे जीत के आए हैं, तरावड़ी से हमारे जीत के आए हैं, निशिंग से हमारे जीत के आए हैं, आजाद जीत के आए हैं, हमारे जीत के आए हैं जो हमारी पार्टी के समर्थित थे और हमारी पार्टी से जुड़े हुए हैं। आज कहीं ना कहीं कांग्रेस को बताने में परहेज होता है कि कहां कहां इन्होंने चुनाव लड़ा और कहां कहां इनके जीत के आए, अगर जीत के आए हो तो बताएं, क्योंकि जहां जहां इनके नेता ने प्रचार किया वहां वहां इनका बंटाधार हुआ। आज के दिन कांग्रेस का जो हालात है, जिस टाइम कांग्रेस का चुनाव चल रहा था उस टाइम तो इनके विधायक
बाहर घूमने जा रहे थे आउट ऑफ स्टेट, वो भी राज्यसभा चुनाव के अंदर क्या हुआ वो सबने देखा। राज्यसभा चुनाव की तैयारियों में ये बाहर जा रहे थे, अपने विधायकों को नहीं संभाल सके। पीछे से वोट वोटर ने डालना है, आपके कहने से नहीं डलेगा, वोटर ने डाल के गठबंधन को जिताने का काम किया। गठबंधन आज बहुमत हासिल कर रहा है। कुछ सीटें गिनवाइए सर जहां पे आपके समर्थित उम्मीदवार जीते हैं। मैं आपकी बात पर आता हूं वरुण भाई, एक बार मैं जो हमारे जेजेपी के प्रवक्ता है इनकी बात का एक से दस सेकंड में जवाब दे देता हूं। एक लिस्ट मेरे पास भी है, दुष्यंत चौटाला जी का गिनवा दिया, मुख्यमंत्री जी का गिनवा दिया, भिवानी के अंदर बड़े कद्दावर नेता है इनके जेपी दलाल जी, नारनौल से ओपी यादव जी, इस्माइलाबाद से स्वयं मंत्री है संदीप सिंह जी, टोहाना से देवेंद्र बबली जी, बावल से बनवारी लाल जी और रानिया से रंजीत सिंह जी, ये सभी आपकी पार्टी के बड़े विधायक और नेता हैं और इनकी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आप ये निगम और निकाय के चुनाव हार गए। जो एक सवाल है वरुण भाई, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, आज ये कह रहे कि जो हांसी के हैं या इधर उधर के वो हमारे ही हैं। अरे भाई आपके थे तो उनको आप सिंबल पे चुनाव लड़वा देते, उनको निर्दलीय चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और जो निर्दलीय जीते हैं वो आपको हरा कर जीते हैं, वो आपकी पार्टी को, आपकी पार्टी की विचारधारा को भाजपा और भाजपा। अब वो कांग्रेस में आएंगे क्या? एक मिनट विवेक, ठीक है, अब वो कांग्रेस में आएंगे क्या? कांग्रेस में आएंगे? इंतजार कीजिए वरुण जी, इंतजार कीजिए। इंतजार बहुत करवाते हैं राकेश जी आप, जब चुनाव से पहले आप बात कर रहे थे आपने कहा नतीजे देखिएगा, तब भी आपने कहा नतीजे देखिएगा, पब्लिक बड़ी परेशान है और सारी बातें आपने की। मेरा एक मेरा आपसे सवाल ये है, आप 5-7 सीटें वो गिनवाइए जहां पर आपके समर्थित जीते हों। जो एलनाबाद से जो जीते, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, मुझे एक एग्जाम्पल के तौर पे एक मतलब एक ही से मतलब एलनाबाद की इनेलो की तो मैं बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि विधायक भी एक था और अब चेयरमैन भी इनको एक ही मिला है और पार्षद तो 888 में से इनके मैच 6 जीत कर आए हैं। तो जो एलनाबाद से जीता उन्होंने स्वयं घोषणा की कि वो कांग्रेस के विचारधारा के समर्थक है, जो रिवाड़ी से जो जीत कर आए उन्होंने स्वयं घोषणा की कि वो कांग्रेस से समर्थित है और मीडिया के अंदर भी मैं बड़ी स्पष्टता से एक बात, तो मैंने पहले नाम ले दिया बावल का। जी जी जी, तो मैं भी सर मैं इस जो हमारे निर्दलीय है हमारी पार्टी का स्टैंड निभाई है और जो विचारधारा समर्थित है कितने साथ रहेंगे ये आप मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर काम कर रहे हैं। बीच में मत बोलिए भाई, बीच में मत बोलिए, आप प्रबुद्ध प्रवक्ता है। राकेश जी 30 सेकंड सिर्फ सर, सिर्फ 30 सेकंड, मुझे कार्यक्रम खत्म करना है। आप बताएं ये नतीजा ठीक, ये जो नतीजे आए हैं कांग्रेस बेहतर कर सकती थी? ये देखिए बेहतरी की उम्मीद लोकतंत्र के अंदर और राजनीति के अंदर हमेशा ये गुंजाइश रहती है और ये गुंजाइश हमेशा रहनी चाहिए, लेकिन इन निकाय चुनाव ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर साबित कर दी है कि निर्दलियों की इतनी भारी जीत ने भाजपा और जजबा गठबंधन और ठगबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। बहुमत तो उन्हीं के पास है राकेश जी, बहुमत किनके पास है? जब हम आप इससे पहले की तुलना कीजिए, इससे पहले की जो निकाय के चुनाव थे 10 सीटें ज्यादा थी इनके पास, 10 सीटें कम हो गई है, पता नहीं किस बात की बधाई ले रहे हैं। 10 में से कांग्रेस को कितनी मिली? निकाय चुनाव के अंदर 10 से लेकर 12 सीटें कम हो गई, वोट परसेंटेज कम हो गया, सरकार होने के बावजूद जो ये जीत कर आए हैं सर, 20 निर्दलीय जीत कर आए हैं। मैं कहता हूँ अभी देखते हैं, तेल देखिए, तेल की धार देखिए, चलिए ठीक है, अभी सब दूध का दूध और पानी तेल की धार, दूध का दूध और पानी का पानी सब देखेंगे। फिलहाल राकेश जी, विवेक जी, कृष्ण जी और भाटी साहब, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। माफी चाहता हूँ, समय की कमी थी, यानी एक हार का डर था जिसकी चर्चाएं शुरू से हो रही थी कि आखिर सिंबल पर कांग्रेस चुनाव क्यों नहीं लड़ रही है। कांग्रेस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ी, बहुत सारे विधायक या फिर ऐसे नेता जिनके गढ़ माने जाते हैं वहां पर हार का सामना करना पड़ा और अब कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं सिंबल पर लड़ना चाहिए था, घर घर सिंबल पहुंच जाता, यानी रणनीति में एक बार फिर से कांग्रेस से चूक हुई है। यहां रुक रहे कुछ देर के लिए, जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।